गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज़ कुणाल कुमार। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू वीडियो व्हिच इज़ नोन एज पार्ट टू ऑफ एक्सरसाइज 6.3। चैप्टर नेम इज़ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, क्लास 12th मैथ्स। ठीक है तो बच्चों, ये जो एक्सरसाइज है आपको पता है, ये टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स वाली एक्सरसाइज है। फर्स्ट पार्ट में सारा बेस मैं आपको बता चुका हूँ एंड वी हैव डन टिल क्वेश्चन नंबर 17, राइट। सो नाउ इन दिस वीडियो वी विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है फॉर द कर्व वाई इज इक्वल टू 4x³ माइनस 2x⁵। कह रहा है फाइंड ऑल द पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट पासिस थ्रू द ओरिजिन। द टेंजेंट पासिस थ्रू द ओरिजिन। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। वाई दिया हुआ है फाइंड ऑल द पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट पासिस थ्रू ओरिजिन। ठीक है, चलो ये वाई है तो मैं dy/dx निकाल लेता हूँ, विच इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो ये हो गया 12x² माइनस 10x⁴। ठीक है, अब मेरी जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अगर मैं बनाऊं, ठीक है, आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, y - y₁। अच्छा, ओरिजिन से पास कर रहे हैं तो ओरिजिन 0, 0 है। 0, 0 का मतलब क्या हो गया बच्चों, कि ये x₁ ये y₁, तो y₁ हो गया 0, y₁ इज इक्वल टू m, m मतलब स्लोप है ना, ये स्लोप dy/dx स्लोप होता है। तो ये हो गया 12x² माइनस 10x⁴ इंटू x - x₁, और x₁ भी आपको पता है यहाँ पे 0 है क्योंकि x₁ y₁ का रोल प्ले कर रहे हैं। तो y इज इक्वल टू कितना हो गया, 12x² माइनस 10x⁴ इंटू x है ना, ये x - 0 क्या हो गया x, फिर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो y इज इक्वल टू कितना हो गया, 12x³ माइनस 10x⁵। ठीक है, अच्छा ये जो y की वैल्यू आई है तो मुझे, मैं अगर इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूँ और इसको इक्वेशन 2 मान लेता हूँ, देखो दोनों में LHS सेम है तो RHS भी सेम होते हैं है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 मैं लिख सकता हूँ 4x³ माइनस 2x⁵ इज इक्वल टू 12x³ माइनस 10x⁵। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको इधर ले आता हूँ तो ये हो गया 8x³, और इसको इधर ले आता हूँ तो ये हो गया 8x⁵। ठीक है, 8 से 8 कट गया तो मेरे पास बच गया x⁵ माइनस x³ इज इक्वल टू 0। मैंने आपसे बोला हुआ है कि इसको ना कैंसिल आउट नहीं करते, नहीं तो इससे आपकी एक वैल्यू कम हो जाती है। अगर मैं इसको आगे सॉल्व करूँ तो क्या हो गया, x³ कॉमन हो गया तो बच गया x² - 1 इज इक्वल टू 0। इसको थोड़ा और सॉल्व करूँ तो हो गया x³ × x - 1 × x + 1 इज इक्वल टू 0। तो इसको 0 पुट किया तो x के लिए 0 आ गई, x के लिए 1 आ गई, x के लिए 2 आ गई, -1 आ गई, राइट। अगर मैं x के लिए 0 पुट करता हूँ, मेन क्वेश्चन, ठीक है, हमेशा हम मेन क्वेश्चन में पुट करेंगे तो बताओ y की वैल्यू क्या आ रही है, सर y की वैल्यू भी 0 आ रही है, तो ये एक आपका आंसर आ गया। अगर x के लिए 1 है तो y की वैल्यू 2 आ रही है, ये आपका दूसरा मेन आंसर आ गया। देखो अगर मैं x की 1 पुट करता हूँ तो y की वैल्यू क्या हो गई, 2। अगर -1 पुट करता हूँ तो ये हो गया -4, और ये कितना हो गया, +2, तो -2 वैल्यू आ गई। तो y की वैल्यू क्या हो गई, -2। तो ये मेरे 3 पॉइंट्स आ गए। ठीक है, वेरी सिंपल। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है बच्चों, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है फाइंड द पॉइंट्स, मैं एक बार क्वेश्चन लिख देता हूँ, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व x² + y² - 2x - 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, एट विच टेंजेंट आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ठीक है बच्चों, आप सबको पता है एक्स एक्सिस का स्लोप क्या होता है, 0 होता है। सॉरी, मैं क्वेश्चन दोबारा पढ़ देता हूँ। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व x² + y² - 2x - 3 = 0।
एट विच द टेंजेंट आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो मैंने आपको बताया एक्स एक्सिस के स्लोप क्या होता है, जीरो। और जब दो लाइन पैरेलल होती हैं तो दोनों के स्लोप सेम होंगे, तो इसका जो स्लोप है और इसका स्लोप सेम होगा, तो इसका स्लोप डी वाई बाई डी एक्स निकलेगा। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ से इसका डेरेटिव निकालता हूँ, यहीं पर सोल्यूशन स्टार्ट करता हूँ, तो जो इसका डेरेटिव हो गया वो हो गया 2x प्लस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2, और ये इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, देखो 3 का जीरो होता है ना, कॉन्स्टेंट है। अब मैं यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू मैं निकालता हूँ, आई होप कि ये सब आप डायरेक्टली अगर मैं करूँगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, सो दिस इज व्हाट, दिस इज डी वाई बाई डी एक्स, राइट। ठीक है, तो अगर बच्चों मेरा ये डी वाई बाई डी एक्स आ गया, तो इसमें मैं अगर 2 कॉमन ले लूँ तो इसको ले सकता हूँ मैं एक्स प्लस 1। अच्छा, ये 2 इधर चला गया, तो ये प्लस 2x उधर गया, माइनस 2x हो गई, ये मैंने गलती कर दी, माइनस 2x होना चाहिए ना। तो देखो 2 कॉमन आ गया तो बच गया 1 माइनस एक्स अपॉन 2y, 2 से 2 कट गया तो ये हो गया 1 माइनस एक्स अपॉन वाई, दिस इज डी वाई बाई डी एक्स, राइट। और इसका स्लोप क्या होता है, एक्स एक्सिस का स्लोप 0 होता है, और दोनों लाइन पैरेलल है तो क्या होगा, तो 1 माइनस एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू 0। इसका स्लोप मतलब डी वाई बाई डी एक्स ये था, और इसका स्लोप 0, वो दोनों इक्वल होंगे बिकॉज टू लाइन्स आर पैरेलल। ठीक है, तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो 1 माइनस एक्स इंटू 0 हो गया, तो इसको सॉल्व करके आया कि एक्स की वैल्यू 1 आ गई। अच्छा, मुझे निकालना क्या है, मुझे पॉइंट से निकालना है, दोबारा से वही कहानी। अगर एक्स की वैल्यू 1 आ गई तो बताओ इस इक्वेशन में वैल्यू डालो एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वाई। तो अगर मैं वाई की वैल्यू पता करता हूँ तो ये दो वैल्यू आ रही है, प्लस माइनस 2। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा कि मेरा पॉइंट क्या है, 1, 2 एंड 1, -2, दीज आर दी टू वैल्यूज, राइट। सो दिस इज क्वाइट क्लियर। सर ये प्लस माइनस 2 कैसे आया बच्चों, इतना तो काम आप कर लो, है ना। इसमें अगर एक्स की वैल्यू 1 डालो तो आपको वाई की वैल्यू प्लस माइनस 2 आ जाएगी, वो मैंने डायरेक्टली कर लिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20। सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन 20 क्या कहते हैं बच्चों, फाइंड द इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट द पॉइंट ए एम स्क्वेयर कॉमा ए एम क्यूब फॉर द कर्व ए वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन करते हैं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है, नॉर्मल ये ध्यान रखना इक्वेशन नॉर्मल है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं पूरी एक्सरसाइज में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल निकाल के उनको ये हैबिट बन जाती है कि भैया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ही निकालना है, तो हमेशा फिर वो आंसर चेक करते हैं तो बोलते हैं सर आंसर तो गलत आ रहा है, लेकिन पता नहीं होता उनको कि उन्होंने इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाली ही नहीं है, उन्होंने क्या निकाला, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो यहाँ पे वो फंस जाते हैं। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा, देखो मैं पहले लिख देता हूँ, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, है ना, आपको पता है स्लोप ऑफ नॉर्मल आएगा इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है, ये आपका एक्स वन और ये वाई वन, है ना, ये एक्स वन हो गया वाई वन हो गया। अब मैं इक्वेशन में वैल्यू डालता हूँ, लेकिन यहाँ से मैं डी वाई बाई डी एक्स निकालूंगा, देखो ये हो गया ए इंटू टू वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो गया 3x स्क्वायर। सो नाउ व्हाट इज डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स हो गया 3x स्क्वायर अपॉन 2ay। ठीक है, तो y माइनस इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन ये होगी y माइनस वाई वन, तो ये हो गया ए एम क्यूब इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, कितना था 3x स्क्वायर अपॉन 2ay, तो 2ay को मैं ऊपर ही ले चलता हूँ, है ना, आई होप कि ये क्लियर है। इंटू एक्स माइनस एक्स वन क्या हो गया ए एम स्क्वायर। ठीक है, अब मैं इसको इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट पेज लेते हैं हम, और नेक्स्ट पेज को यूज करते हैं। ये अब देखो y ये है ना, देखो मैं इसको इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हो गया 3x स्क्वायर वाई माइनस 3am क्यूब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो गया माइनस 2ay को x से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 2axy। ठीक है, और माइनस 2ay को इससे मल्टीप्लाई किया तो हो गया प्लस 2a स्क्वायर वाई एम स्क्वायर। ठीक है,
ये आपका आंसर आया। मुझे इक्वेशन ही निकालनी थी, तो मेरे लिए कोई बहुत लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, ठीक है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम हमने कर दी, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते थे। देखो मैं आपको सिंप्लीफाई करता हूँ, अगर डी वाई बाई डी एक्स है और एक्स और वाई की वैल्यू दी हुई है, तो मैं एक्स की वैल्यू भी डाल सकता था, तो मैं जो कि अब डाल देता हूँ। देखो एक्स का मतलब क्या है, ए एम स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया ना, क्योंकि एक स्क्वायर है। और नीचे क्या हो गया, टू ए वाई, एक वाई, वाई का मतलब हो गया ए एम क्यूब। तो अगर मैं इसको भी सॉल्व करता हूँ, तो ये हो गया थ्री ए स्क्वायर एम की पावर फोर, और नीचे हो गया टू ए स्क्वायर एम क्यूब। ये कट गया इससे, ये इससे कट गया, तो ये क्या बच गया, थ्री बाई टू एम, है ना। तो हमारी जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई, थ्री बाई टू एम आ गई, ठीक है। मैं इसको कहीं यहाँ लिख दूँ, मतलब ये जो डी वाई बाई डी एक्स मेरा आ गया, तो ये मेरा आ रहा है थ्री बाई टू एम, है ना। दिस इज डी वाई बाई डी एक्स, देखो यहाँ से ये वैल्यू आ गई, ठीक है। चलो अगर मुझे ये वैल्यू पता है, तो जहाँ पे मैं डी वाई बाई डी एक्स ले रहा हूँ, वहाँ पे ये भी पुट कर सकता था। तो देखो इंस्टेड ऑफ दिस, मैं ये वाली क्वेश्चन निकाल रहा हूँ। देखो देखो मैंने वैल्यू पुट नहीं करी, तो मेरी ये वैल्यू आ गई। अगर मैं डी वाई डी एक्स के बदले, देखो यहाँ से मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया वाई माइनस वाई वन, क्या हो गया ए एम क्यूब माइनस वन अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, मतलब डी वाई डी एक्स क्या था, थ्री एम बाई टू, तो ये हो गया थ्री एम बाई टू, टू ऊपर चला गया, इंटू एक्स माइनस एक्स वन, एक्स वन क्या हो गया ए एम स्क्वायर, है ना। तो ये हो गया थ्री एम वाई माइनस थ्री ए एम की पावर फोर इज इक्वल टू माइनस टू एक्स प्लस टू ए एम स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। अब सबको उधर ले जाते हैं, तो ये हो गया थ्री एम वाई प्लस टू एक्स माइनस थ्री ए एम की पावर फोर प्लस सॉरी माइनस टू ए एम स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो ये हो गया टू एम वाई प्लस टू एक्स, इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ, ए कॉमन ले लूँ, एम स्क्वायर कॉमन ले लूँ, तो इधर बच गया थ्री एम स्क्वायर, और इधर क्या हो गया प्लस टू, ठीक है, इज इक्वल टू जीरो। और अगर मैं यहाँ भी छोड़ दूँ, तो भी मेरा आंसर सही है ना, टू एक्स प्लस थ्री एम वाई माइनस थ्री एम की पावर फोर माइनस टू एम स्क्वायर, ठीक है। या आप ऐसे लिख दो, तो भी आपका आंसर सही है। मतलब पैटर्न ये होता है, देखो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो का फॉर्मेट हमें दिखाना होता है, तो मैंने दिखा दिया, आप ऐसे भी छोड़ सकते थे, ठीक है। तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 कहते हैं फाइंड द इक्वेशन, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें नॉर्मली बच्चे फंसते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 21 कहते हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल्स टू द कर्व। चलो मैं लिख देता हूँ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस टू एक्स प्लस सिक्स विच आर पैरेलल टू द लाइन x प्लस फोर्टीन वाई प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। चलो हाँ जी बच्चों, तो बेटा मेरी जो बुक थी उसमें थोड़ा सा गलत लिखा होता, तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नहीं है, मुझे निकालना है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है। सो दिस इज योर क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व वाई इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस टू एक्स प्लस सिक्स विच आर पैरेलल टू द लाइन दिस। अब देखो आपको इसमें क्या ध्यान रखना है बच्चों, कि ये जो आपकी इक्वेशन है वो नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मतलब सपोज मैं आपको बताता हूँ, ये कर्व है, ये टेंजेंट है, ठीक है, ये टेंजेंट है और ये नॉर्मल है, राइट, ये नॉर्मल है, और आपको क्या दिया, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व विच आर पैरेलल टू द लाइन, मतलब
नॉर्मल जो है वो इस लाइन के पैरेलल है। देखो वो जो नॉर्मल है वो इस लाइन के पैरेलल है, ये वाली लाइन दी हुई एक्स प्लस 14 वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब इसका जो स्लोप है वो इसके स्लोप के इक्वल होगा क्योंकि नॉर्मल इसके पैरेलल है। देखो बच्चे क्या गलती करते हैं, इसमें स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे डी वाई बाई डी एक्स और इसका स्लोप निकालेंगे, दोनों को इक्वेट कर देंगे, वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि मुझे नॉर्मल पैरेलल दिया हुआ है इस लाइन के, इसका मतलब नॉर्मल का स्लोप क्या होता है, माइनस वन अपॉन डी वाई डी एक्स। तो मतलब मुझे पता है क्या दिया, माइनस वन अपॉन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू इसका स्लोप है ना, यहां से जो स्लोप आएगा वो ये है क्योंकि नॉर्मल का स्लोप ये होता है और इसका स्लोप ये है। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ इसका स्लोप क्या आएगा। देखो यहां से नॉर्मल का स्लोप आएगा, देखो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो गया सर, ये हो गया 3x2 + 2। ठीक है, अब नॉर्मल का स्लोप क्या हो गया सर, -1/3x2 + 2। ठीक है, और इसका स्लोप क्या हो गया, मैं यहाँ पे निकाल के दिखा देता हूँ। देखो 1 + 14 × dy/dx इज इक्वल टू 0, सो व्हाट इज dy/dx कितना हो गया, -1/14। तो यहाँ पे जो स्लोप हो गया -1/14, माइनस माइनस कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 3x2 + 2 इज इक्वल टू 14। ठीक है, तो मुझे आप ये बताओ 3x2 + 2 इज इक्वल टू 14 का मतलब क्या हुआ। ठीक है, चलो इसको मैं आगे नेक्स्ट पेज पे आपको दिखाता हूँ। तो इस अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3x2 + 2 इज इक्वल टू 14, तो 3x2 की वैल्यू कितनी होगी 12, तो x2 की वैल्यू कितनी होगी 4, तो x की वैल्यू कितनी होगी +-2। ठीक है, तो इसका मतलब अगर x की वैल्यू 2 लेता हूँ और x की वैल्यू -2 लेता हूँ तो मेरे पॉइंट्स क्या आ रहे हैं सर, पॉइंट मेन इक्वेशन में डाल के निकलते हैं। ठीक है, तो y की जो वैल्यू है, देखो मैं यहाँ पे बताता हूँ, तो y की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे 2 का क्यूब क्या होता है 8, 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 6 18। ठीक है, तो यहाँ से जो मेरी वैल्यू आ रही है वो आ रही है 18, और अगर मैं -2 पुट करता हूँ तो y की जो वैल्यू आ रही है -8 - 4, तो -12 + 6 कितना हो गया -6, तो ये वैल्यू आ रही है -6। ठीक है बच्चों, ये दो पॉइंट आ गए। अच्छा, मुझे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है, क्या निकालनी है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो दो इक्वेशन निकलेंगी, पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन क्या होगी, देखो y - y1 इज इक्वल टू m, m मतलब इक्वेशन ऑफ सॉरी स्लोप ऑफ नॉर्मल, दैट इज -1/ ये था ना 3x2 + 2 है ना, स्लोप ऑफ नॉर्मल तो यही है, और x की वैल्यू यहाँ पे क्या डाल रहे हैं, क्योंकि मैं पहले वाला पॉइंट यूज कर रहा हूँ, तो 3x2 + 2 इंटू x - x1 ये 2 हो गया। इसको आप सॉल्व करोगे आपकी एक इक्वेशन आ जाएगी, दूसरा क्या था y - y1, तो y + 6 हो गया, तो -1/3x2 वेयर x इज -2, तो -2 का स्क्वायर + 2 इंटू x - x1, तो x + 2 हो गया। अब आप इन दोनों को सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलो मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ। जो पहली वाली क्वेश्चन थी वो थी y - 18 इज इक्वल टू -1/ ये कितना आ रहा है 4 × 3 = 12 + 2 = 14 आ गया है ना, इंटू x - 2। इसको मैं आगे सॉल्व करता हूँ, तो ये हो गया 14 इधर हो गया, तो ये हो गया 14y - 18 × 14। ठीक है, तो अगर 18 × 14 करते हैं तो 252 हो गया, और ये हो गया -x + 2, सबको इधर ले जाते हैं तो ये हो गया 14y + x, और ये हो गया -254 = 0। एक ये इक्वेशन आ गई। अगर मैं दूसरी इक्वेशन यूज़ करता हूँ तो ये हो गया y + 6 = -1/ ये भी 14 ही आएगा। रीज़न क्या है, 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, -2 का स्क्वायर भी 4 होता है, बाकी सारी चीज़ें तो सेम है। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें सेम है, इंटू x - x1 क्या था सॉरी ये x + 2 था है ना, यहाँ पे वैल्यू डाली, सॉल्व किया तो ये हो गया 14y + 84, और ये हो गया -x - 2, और इधर भी लेके आते हैं तो 14y + x, और ये हो गया -86 = 0। तो ये मेरी दूसरी इक्वेशन आ गई, ये दो इक्वेशन हमारा सॉल्यूशन है। ठीक है बच्चों, चलो दिस वाज, एक बार आप देख लो ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फिर उसके बाद मैंने पॉइंट निकाला, और फिर उसके बाद ये मैंने वैल्यूज करी। ठीक है, इक्वेशंस निकाल ली। सो नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन 22 क्या कह रहा है,
फाइंड द इक्वेशंस, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द टेंजेंट, ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द पैराबोला, टू द पैराबोला y square is equal to 4ax at the point at square comma 280. ठीक है, सॉल्यूशन देखो, ये x1 और y1 का काम करेगा, मुझे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल निकालनी है. जब मुझे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है तो आपको पता है क्या होता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू dy बाई dx आएगा, है ना, इंटू एक्स माइनस एक्स वन. अब डी वाई बाई डी एक्स मैं यहाँ से निकाल ही लेता हूँ, है ना. देखो ये क्या हो गया, सॉरी, टू वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो गया फोर ए. सो नाउ वट इज डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स हो गया फोर ए अपॉन टू वाई. ठीक है, कैन आई पुट द वैल्यू ऑफ वाई, तो वाई के लिए 280 पुट कर देता हूँ, तो ये हो गया फोर ए, क्या हो गया फोर ए, और ये टू वाई का मतलब हो गया 280. तो ये फोर से ये टू, टू ज फोर कट गया, ए से ए कट गया, तो ये हो गया वन अपॉइंट टी. तो मैंने छोटा कर दिया, जो पिछले क्वेश्चन में गलती करी थी वो मैंने अभी करने से बच गया, है ना. तो वाई माइनस 280 डी वाई बाई डी एस का मतलब है वन अपॉइंट टी, और ये हो गया एक्स माइनस ए टी स्क्वायर. ठीक है, तो बच्चों ये बातें आपको समझ आ चुकी हैं, है ना. टी को इधर मल्टीप्लाई कर दो, अगर मैं टी को इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये हो गया टी वाई माइनस टू ए टी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस ए टी स्क्वायर. सबको इधर ले आओ या सबको इधर ले आओ, तो ये हो गया एक्स माइनस टी वाई प्लस टू ए टी स्क्वायर, और ये हो गया माइनस ए टी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो. इसको भी थोड़ा आप अरेंज कर सकते हो कॉमन वॉमन लेके, डिपेंड्स ऑन यू, राइट. चलो अगर मुझे दूसरा निकालना है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, है ना, बताओ अगर मुझे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है तो नॉर्मल की इक्वेशन क्या होती है. सर वाई माइनस वाई वन, वाई वन क्या है 280 इज इक्वल टू एम, स्लोप ऑफ नॉर्मल आएगा मतलब माइनस वन अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, है ना. स्लोप ऑफ नॉर्मल है क्योंकि इक्वेशन नॉर्मल निकालना है, स्लोप ऑफ नॉर्मल आएगा एक्स माइनस एक्स वन, एक्स वन हो गया ए टी स्क्वायर. तो ये हो गया वाई माइनस 280, ये हो गया माइनस वन अपॉन डी वाई बाई डी एक्स. नाउ व्हाट इज डी वाई बाई डी एक्स, बोलो. डी वाई बाई डी एक्स था वन अपॉन टी, तो वन अपॉन टी, टी को मैं ऊपर ले जाता हूँ, ठीक है. तो ये हो गया एक्स माइनस ए टी स्क्वायर, तो ये हो गया वाई माइनस 280, है ना. देखो वाई माइनस 280, और ये हो गया माइनस टी एक्स प्लस ए टी क्यूब. ठीक है, सबको इधर ले जाता हूँ, तो ये हो गया वाई प्लस टी एक्स माइनस 280 माइनस ए टी क्यूब इज इक्वल टू जीरो. दोनों में से कॉमन लेके आप इसको भी अरेंज कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन से दिस इज योर आंसर, राइट. चलो ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 22. देख लो क्वेश्चन 22 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और फिर यहाँ पे एंड हो रहा है, ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 23, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 23. क्वेश्चन 23 क्या कहता है, prove that the curves, prove that the curves x is equal to y square and xy is equal to k cut at right angle if 8k square is equal to 1. ठीक है, तो बच्चों दो कर्व दिए हुए हैं, मुझे ये शो करना है कि ये प्रूव करना है कि ये 90 डिग्री पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं. और ये कब 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट होगा, कब होगा, व्हेन 8 के स्क्वायर इज इक्वल टू 1. ठीक है, चलो अब बच्चों इसमें थोड़ा दिमाग लगाते हैं. देखो जब भी दो लाइन आपस में 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करती हैं तो उसका मतलब m1 into m2 is equal to minus 1 होता है, ये आप सबको पता है. ठीक है, तो अगर मैं इस इक्वेशन को लेता हूँ एक्स वाई इज इक्वल टू के, और एक इक्वेशन क्या थी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर. ठीक है, तो व्हाट आई एम सपोज टू डू, देखो एक्स वाई की वैल्यू के है,
ठीक है, और एक्स की वैल्यू है वाई स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू जो वाई स्क्वायर है वो मैं इधर डाल देता हूँ, तो एक्स के बदले मैंने डाल दिया वाई स्क्वायर, तो ये हो गया वाई, है ना। देखो एक्स के बदले मैंने वाई स्क्वायर डाल दिया, कहाँ से, यहाँ से, और वाई को एज इट इज लिख दिया के, तो ये हो गया वाई क्यूब इज इक्वल टू के हो गया। तो वाई की वैल्यू होगी के की पावर 1/3, क्यूब उधर जाके रेसिप्रोकल हो जाता है पावर, ठीक है। तो वाई की वैल्यू होगी के की पावर 1/3। अगर वाई की वैल्यू के की पावर 1/3 हो गई तो बताओ एक्स की वैल्यू क्या हो गई। देखो वाई की वैल्यू होगी के की पावर 1/3, तो एक्स की वैल्यू होगी के की पावर 1/3 का स्क्वायर, है ना। तो ये हो गया एक्स की वैल्यू होगी के की पावर 2/3। तो ये जो मेरे पॉइंट आ गए वो हो गया के की एक्स कॉमा वाई होता ना, पॉइंट क्या है एक्स कॉमा वाई, तो हो गया के की पावर 2/3 कॉमा के की पावर 1/3, राइट। ये मेरा पॉइंट है, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है बच्चों, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, देखो मैं निकालता हूँ स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द फर्स्ट कर्व, यहां से अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो ये हो गया सेकेंड एज इट इज इंटू डेरिवेटिव फर्स्ट प्लस फर्स्ट एज इट इज इंटू डेरिवेटिव सेकेंड इज इक्वल टू जीरो हो गया। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो गया, माइनस वाई अपॉन एक्स, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स बच्चों हमारे क्या हो गया, माइनस वाई अपॉन एक्स। तो अगर मैं इसकी वैल्यू डालता हूँ वाई की, वाई की वैल्यू क्या आई थी बताओ, के की पावर 1/3, तो माइनस के की पावर 1/3, और एक्स की वैल्यू क्या आई थी, के की पावर 2/3। तो ये हो गया, बेस सेम होता है तो डिवाइड में पावर माइनस होती है, तो 1/3 माइनस 2/3 हो गया। तो ये हो गया माइनस के की पावर माइनस 1/3, तो इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन k की पावर 1/3, ठीक है। अगर मैं इस इक्वेशन को यूज़ करता हूँ तो बताओ डिफरेंशिएट करते हैं, तो 1 इज इक्वल टू ये हो गया 2y इंटू dy बाई dx। तो dy बाई dx मेरा जो कि स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो कितना आ रहा है, 1 अपॉन 2y। और सर y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू आपको पता है k की पावर 1/3, है ना। तो y की वैल्यू होगी k की पावर 1/3, तो ये हो गया dy बाई dx मेरा क्या आ गया, 1 अपॉन 2 k की पावर 1/3, ठीक है। ये एक ये आया स्लोप, एक ये स्लोप आया दो कर्व का, है ना। और दोनों कर्व 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो इसका मतलब m1 इंटू m2 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, -1, है ना। तो ये -1 अगर मैं लेके चलता हूँ तो मैं क्या लेके चलूँगा, m1 कितना हो गया, सपोज ये हो गया, ये आया था ना, देखो पहला dy/dx 1 अपॉन k की पावर 1/3 आया, इंटू m2 हो गया 1 अपॉन 2 k की पावर 1/3 हो गया, -1 लेता हूँ। तो मेरा जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए 8k² = 1। देखो कुछ नहीं कह रहा है, इफ 8k² = 1, तो मेरा आंसर 8k² = 1 आना चाहिए। इसको सॉल्व करता हूँ, तो अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये कितना हो गया बताओ, देखो 1 अपॉन 2 k की पावर मल्टीप्लाई में बेस से मतलब पावर ऐड हो जाती है, तो k की पावर 2/3 = -1 हो गया, ठीक है, राइट। लेकिन लेकिन सर एक गलती आपने कर दी, ये -1 अपॉन r है, ठीक है। देखो माइनस ऊपर ही रहेगा ना, ये वन अप, इसको पावर को पॉजिटिव करने के लिए 1 अपॉन ये कर दिया, तो ये -1 अपॉन ये हो गया, ये माइनस हो गया, माइनस से माइनस कट गया। फिर इसको आगे सॉल्व करता हूँ तो ये हो गया 1 इज इक्वल टू 2 k की पावर 2/3 क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। फिर हम करते हैं क्यूबिंग बोथ साइड्स, देखो मैं क्या करूँ, क्यूबिंग बोथ साइड दोनों तरफ को क्यूब से मल्टीप्लाई करूँ, तो ये हो गया इधर भी क्यूब कर दिया और इधर भी क्यूब कर दिया, ठीक है, क्योंकि मेरे को ये पावर 3 जो अपॉन में पावर 3 वो हटानी थी, तो ये हो गया 1 इज इक्वल टू 2 का क्यूब क्या होता है 8, और ये के क्या हो गया स्क्वायर। आप देख रहे हो मेरा आंसर क्या हो गया, 8k² = 1 आ गया, और मुझे यही प्रूव करना था, देखो मुझे यही प्रूव करना था, राइट। देखो दोबारा लेके दोबारा से मैं समझाता हूँ, ये फर्स्ट इक्वेशन दी है, सेकंड इक्वेशन दी है, दोनों से स्लोप ने दोनों से पहले मैंने इसको इधर इधर यूज़ करके मैंने एक्स और वाई की वैल्यू के टर्म में निकाली, एक्स और वाई की वैल्यू के टर्म में निकाली, ठीक है। अब मेरे पास क्या हो गया,
ये जो मैंने जब मैंने इसका स्लोप निकाला, इससे डी वाई बाई डी एक्स निकाला और सब कुछ के टर्म में निकाला तो ये आंसर आया। जब इसका स्लोप निकाला तो इस क्यूब के टर्म में निकाला तो ये आंसर आया। और मुझे पता है ये दोनों स्लोप 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो मैंने प्रूव कर, मैंने यूज़ करा कि एम वन इंटू एम टू इज टू माइनस वन, ये दोनों यूज़ करे कर करके मेरे को देखो आंसर आ गया 1 = 8k² = 1। क्वेश्चन कह रहा था यही प्रूव करो, बताओ कि आपका आंसर ये आ रहा है नहीं आ रहा, कि अगर ये 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करेंगे तब इंटरसेक्ट करेंगे व्हेन 8k² = 1 होगा। तो देखो वही मेरा आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, चलो। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 23। नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन 24 और 25 बहुत इजी है, आप इसको खुद ट्राई कर सकते हो, बट फिर भी मैं करा देता हूँ कि अगर आपके डाउट आए तो आप फिर वीडियो देखो, लेकिन पहले आपको खुद ट्राई करना है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द इक्वेशन, क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट, ठीक है, एंड नॉर्मल। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द हाइपरबोला, टू द हाइपरबोला, और हाइपरबोला की इक्वेशन दी हुई है x² / a² - y² / b² दैट इज इक्वल टू 1 एट द पॉइंट x0 y0। ठीक है, मैं इसका सॉल्यूशन करता हूँ। देखो मुझे ये x1 और y1 दिया हुआ है, इससे dy/dx आ जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा, कहानी खत्म। मैं फिर भी आपको निकाल देता हूँ यहाँ से, क्योंकि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए dy/dx चाहिए और इक्वेशन नॉर्मल क्या होता है -1/dy/dx, तो इसका मतलब दोनों केस में dy/dx निकालना, निकाल देता हूँ पहले, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, लिखना पड़ता है, मैं लिख नहीं रहा बट आपको लिखना है। तो ये हो गया 1/a² × 2x -1/b² × 2y dy/dx, ठीक है, इज इक्वल टू 0, राइट। अब देखो 2x/a² इज इक्वल टू 2y/b² dy/dx। अब dy/dx अगर मुझे निकालना है तो मैं बी स्क्वायर इधर ले जाता हूँ, देखो 2 से 2 कट गया, तो ये हो गया b² × x और ये हो गया a, है ना, y इधर चला गया तो ये हो गया a² y। आपको दिख रहा है, तो ये मेरा dy/dx आ गया। क्या आ गया बच्चों, दिस इज माई dy/dx, राइट। अच्छा, अगर मैं dy/dx, क्योंकि मुझे x और y की वैल्यू तो दी हुई है, तो मैं लिखूंगा कि मैं x के बदले x0 डालूंगा, y के बदले y0 डालूंगा, तो मेरी मेरा जो आंसर आ गया b² x0 और ये हो गया a² y0। 0 बोल दो, नॉट बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, चलो ये dy/dx आ गया। अब मुझे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है। ठीक है, मैं निकालता हूँ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, राइट। क्या होगा, देखो y - y1, ये y1 की तरह यूज़ करूँगा, इज इक्वल टू m का मतलब ये हो गया, है ना, कि क्योंकि m का मतलब dy/dx होता है। यहाँ पे ये हो गया x0 और ये हो गया a² / y0। ठीक है, x - x0, ठीक है, ये इक्वेशन होती है, सबको मल्टीप्लाई कर दो, तो हो गया y0 a² - a² y0 का square = b² x0 x - b² x0 का square। ठीक है, अब ये y y0, ये इधर है, ये इधर है, तो x और y को तो पहले मैं इधर ले आता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा बच्चों, x और y को इधर ले आता हूँ, तो ये हो गया y, देखो y0 a² - b² x0 x, ठीक है, इज इक्वल टू लिख देता हूँ b² x0 का square, है ना, ये माइनस में है और ये प्लस में हो गया a² y0 का square। ठीक है, अब मैं काम करता हूँ, ठीक है, मैं सारी इक्वेशन को a² b² से डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया a² b², 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 इधर देखो a² से a² कट गया, b² से b² कट गया, इधर b² से b² कट गया, इधर a² से a² कट गया। ठीक है, अब इधर क्या बच गया, y y0/b², ठीक है, -x x0/a², इधर क्या हो गया, -x0² / a² +y0² / b². ठीक है, अब बच्चों एक बात ध्यान से देखना,
देखो थोड़ा सा साइन का हो गया, मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो ये हो गया एक्स जीरो का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई जीरो का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, आप इधर देख सकते हो, अगर इस इक्वेशन में मैं एक्स के बदले एक्स जीरो डालूँ और वाई के बदले वाई जीरो डालूँ, जो कि डाल सकता हूँ, ठीक है, तो ये इसकी जो वैल्यू आ रही है वो वन आ रही है, तो इस पूरे की वैल्यू मैं माइनस माइनस को बाहर ले लेता हूँ, इसकी वैल्यू वन ले सकता हूँ। और इधर क्या आ रहा है वाई, इधर भी मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो देखो पता क्या होगा, एक्स एक्स जीरो अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई वाई जीरो, सॉरी जीरो नीचे अपॉन बी स्क्वायर, और माइनस माइनस कर गया, तो दिस इज़ योर फाइनल इक्वेशन। ठीक है, आप इसको अपनी इक्वेशन बोल सकते हो, एक्स एक्स जीरो अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई वाई जीरो अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। नाउ आई नीड टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है, अब देखो वो दूसरे पेज में आपको करके दिखाता हूँ, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो मेरा डी वाई बाई डी एक्स है वो तो पहले वाला ही है। देखो माई डी वाई बाई डी एक्स इज वट इज बी स्क्वायर एक्स जीरो अपॉन ए स्क्वायर वाई जीरो। ठीक है, अब मुझे इक्वेशन, बिकॉज आई नीड टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है, मुझे क्या निकालना है, मुझे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है, राइट। अगर बच्चों मुझे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है तो मैं क्या करूँगा, देखो वाई माइनस वाई वन क्या था, वाई जीरो है ना, एम का मतलब माइनस वन अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, तो ये आया था बी स्क्वायर एक्स जीरो, और ये अपॉन वाला ऊपर चला गया, तो मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ ए स्क्वायर वाई जीरो, ठीक है, इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है, अब देखो ये भी क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं है, इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो गया वाई माइनस वाई जीरो, ठीक है, देखो इसको नीचे डिवाइड में लिया तो ये हो गया ए स्क्वायर वाई जीरो, और इधर क्या हो गया एक्स माइनस एक्स जीरो अपॉन बी स्क्वायर एक्स जीरो, और माइनस इधर आएगा। अब देखो मैंने क्या किया, मैंने इसको ये वाली जो पर्टिकुलर चीज थी इसको मैं नीचे डिवाइड में ले गया और कुछ नहीं किया, ठीक है, और दिस अपॉन दिस ये रह गया माइनस के साथ, इसको इधर लियो, तो ये हो गया वाई माइनस वाई जीरो अपॉन ए स्क्वायर वाई जीरो प्लस एक्स माइनस एक्स जीरो अपॉन बी स्क्वायर एक्स जीरो, के माइनस वाला पूरा इधर जाके प्लस में हो गया, दैट इज़ इक्वल टू जीरो। तो ये पीछे आंसर इसी फॉर्म में दिया हुआ है, तो हमने इस फॉर्म में आंसर लिख दिया। ठीक है बच्चों, इसमें कोई दिक्कत, चलो दिस वाज अवर क्वेश्चन नंबर 24। नाउ लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 25। अब हम क्वेश्चन नंबर 25 स्टार्ट करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 25 भी बहुत ईजी है, 26 और 27 तो आप खुद ही करोगे, वो मैं नहीं कराने वाला। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन 25 क्या कहता है, फाइंड द इक्वेशन, क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व वाई इज इक्वल टू रूट के अंदर 3x माइनस 2 विच इज पैरेलल टू दी लाइन विच इज पैरेलल टू दी लाइन 4x माइनस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब मुझे एक बार बताओ, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है और ये दिया हुआ है, ये जो लाइन है, ये जो टेंजेंट है वो इसके पैरेलल है, इसका मतलब इसका स्लोप और इसका स्लोप इक्वल होगा। इसका स्लोप क्या हो गया, देखो यहीं से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स क्या हो गया, रूट एक्स का डेरेटिव होता है 1/2 रूट एक्स, और जिसको मन में एक्स माना उसका दोबारा डेरेटिव क्या हो गया, 3 हो गया। और इसका स्लोप क्या आया सर, डी वाई, मैं सॉल्व करता हूँ, ये 4 माइनस 2 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 हो गया। नाउ डी वाई बाई डी एक्स इज 2, ठीक है, ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स, देखो ये इधर चला गया, फिर ये 2 नीचे इधर डिवाइड में आ गया, वो डायरेक्टली कर लिया। ठीक है, अब मुझे ये स्लोप और ये स्लोप दिया हुआ, दोनों इक्वल दिए हुए हैं, ठीक है, दोनों क्या दिए हैं बच्चों, इक्वल दिए हैं, तो मैं नेक्स्ट शीट यूज़ करता हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि ये पैरेलल दिया हुआ है, तो ये हो गया 3/2 रूट 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये हो गया 3/4 रूट 3x माइनस 2। ठीक है, अब जब मैं इसको इक्वेट करता हूँ तो मेरा कुछ आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, तो 9 इज इक्वल टू 16 और ये हो गया 3x माइनस 2, तो 48x माइनस 32, 32 इधर चला गया, तो ये कितना हो गया 41 इज इक्वल टू 48x। तो बताओ x की वैल्यू क्या हो गई, x की वैल्यू होगी 41 अपॉन 48, दिस इज द वैल्यू ऑफ x।
अच्छा मेन इक्वेशन क्या बताऊँ, मेन इक्वेशन ये है, तो इसमें मैं वाई की वैल्यू निकालूंगा, तो वाई की वैल्यू हो गई रूट थ्री के अंदर 41/48 माइनस टू, तो 3 × 1 = 3, 3 × 6 = 18, तो वाई की वैल्यू हो गई रूट के अंदर 41 − 32/16, तो वाई की वैल्यू क्या होगी बच्चों, ये 9/16, तो वाई की वैल्यू हो गई 3/4, ठीक है, द वैल्यू ऑफ वाई इज 3/4, राइट। सर अब हम क्या करेंगे, अब हम इक्वेशन निकालेंगे, इक्वेशन क्या आएगी, देखो ये आपकी x की वैल्यू हो गई, y की वैल्यू मतलब x1 y1 आ गया, क्या हो गया देखो y − y1 दैट इज 3/4 इज इक्वल टू m, है ना। अच्छा मुझे इक्वेशन किसकी निकालनी है, ठीक है मुझे इक्वेशन किसकी निकालनी है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, देखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है ना, तो ये हो गया dy/dx, व्हाट इज dy/dx, ये था, देखो मैं अगर वैल्यू डाल देता हूँ, देखो मैं यहाँ पे dy/dx अलग से एक बार निकाल के दिखा देता हूँ, dy/dx ये था ना 3/√3x − 2, देखो dy/dx ये था, है ना, x की वैल्यू मेरी आई कितनी आई 41/8, तो इधर डाल दूँ 41/48, ठीक है 3x और ये था −2, तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो मुझे ये पता लगेगा, देखो ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं बेफालतू में ये काम कर रहा हूँ, क्यों सर, देखो मैंने क्या बोला, इसका स्लोप और इसका, ये दोनों लाइन पैरेलल है ना, तो इसका स्लोप और इसका स्लोप सेम है, इसका स्लोप तो वैल्यू आ ही रखी है ना, 2 तो वैल्यू डायरेक्टली मेरी आ रखी है, तो मैं इसको भी सॉल्व करूँगा 2 ही आएगा, लेकिन मैं क्यों सॉल्व करूँ, दोनों लाइन पैरेलल हैं, दोनों का स्लोप सेम है, तो इसका मतलब स्लोप मेरा 2 ले सकता हूँ, y − y1 = m × x − x1 कितना था सर 41/48, ठीक है, तो ये मेरा आंसर आया, अब आप इसको सॉल्व कर लो, ठीक है मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, इसको आप सॉल्व करो, और सॉल्व करके मैं इक्वेशन बता देता हूँ, तो ये हो गया 48x − 24y = 23, दिस इज़ योर आंसर, ठीक है चलो, तो ये आपका क्या था, इक्वेशन निकाल ली, एक्स और वाई की वैल्यू निकाल ली, फिर हमने इक्वेशन निकाल ली, कहानी ख़त्म, ठीक है। सो दिस वॉज योर एंड ऑफ द चैप्टर, एंड ऑफ द एक्सरसाइज ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। If you want to become topper in maths, do contact me, Kunal sir, for any inquiry, 9871518388, ठीक है, this is my number, मिलते हैं बच्चों next video में, और next video लेके आएंगे maximum minimum, ठीक है, thank you so much, see you, bye.